नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। डिग मंडी में आढ़तियों ने किया रोष प्रदर्शन। सरकार के ऑनलाइन फसल खरीद के दावों की निकली हवा। अनाज मंडी का मुख्य द्वार बंद कर रोष जताया गया। मार्केट कमेटी कार्यालय के समक्ष पहुंचकर नारेबाजी की। बिकी हुई गेहूं की फसल अदायगी न होने के कारण आढ़तियों में रोष है। किसान व मजदूर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सरकार पर लगाया सुनवाई न करने का आरोप। पल पल टिंग से विनोद स्वामी की विशेष रिपोर्ट। जिला के डिंग में नई अनाज मंडी में किसानों की बिकी हुई फसल में पैसे ना मिलने व आज आढ़तियों ने अनाज मंडी के मुख्य द्वार बंद कर धरना व प्रदर्शन किया। आढ़तियों का सरकार पर आरोप है कि बिकी हुई फसल में पैसे उनके पास ना पहुंचने पर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से आढ़तियों के माध्यम से बिक्री की गई है। बिक्री में किसानों से गेहूं खरीदी गई, जिससे आढ़तियों के पास किसानों व मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी के सचिव को इस बारे में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से उनके खातों में राशि नहीं डाली गई। इस समस्या का समाधान न मिलने पर आढ़तियों ने डिंग मोड पर रोष व प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि एक तरफ सरकार का दावा है कि सरसों व गेहूँ की बिक्री के बाद किसानों और आढ़तियों के खाते में तुरंत अदायगी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आढ़तियों व किसानों ने अपनी बेची हुई फसल के दाम लेने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे लगता तो यही है कि सरकार की ऑनलाइन खरीद के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आढ़ती हुए किसान दर दर की ठोकरें खाने को शायद मजबूर हैं। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। हाँ जी, व्यापारियों को किसी प्रकार की आज तक जो भी गेहूं बिका है उसका पैसा आ नहीं रहा है और न ही कोई हमारी बात को सुनने वाला है। चाहे कोई ऑफिसर नहीं है, कोई लीडर नहीं है, सरकार के पास में भी कोई जवाब नहीं है। सारे किसान सड़कों पर आए हुए हैं, इतने दुखी हैं, व्यापारी दुखी है कि पैसे अभी सरकार ने न हमें कोई कारण बताया जा रहा है कि किस कारण से हमारी पेमेंट लेट हुई है और कहाँ पर पेमेंट है। बिना पेमेंट के इतने दुखी हैं कि आज सारा काम चौपट हो गया है, सारा जमींदारा बंद है, सारी दुकानें बंद है और उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप मजबूरी में हमें ये हड़ताल का, प्रदर्शन का, धरने का ये प्रोग्राम बनाना पड़ा। और सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बात को सुने और हमारे पैसे हमारे खाते में तुरंत भिजवाए। इतने दुखी हैं कि 15-20 दिन से लगातार गेहूं की कोई पेमेंट नहीं आई है, उस वजह से जमींदार किसान भाई भी दुखी हैं क्योंकि उनके बुआई का टाइम है, ना उनके पास बीज के लिए पैसे हैं, ना तेल के लिए पैसे हैं, ना को कंपेन वाले को देने के लिए पैसे हैं, ना कोई सूटर देने के लिए पैसे हैं। इसीलिए 20 दिन से लगातार पेमेंट ना आने के कारण किसान भाई और व्यापारी भाई बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, कोई अधिकारी इस पर गौर नहीं कर रहा है, सब अपने अपने चुनाव में लगे हुए हैं। व्यापारी और जमींदार हैं, किसान हैं, वो बड़े दुखी हैं। इस प्रकार हमारी मांग है कि जल्द से जल्द किसानों की, व्यापारियों की मांग को पूरा किया जाए और पेमेंट आज शाम तक दी जाए। धरना प्रदर्शन सरकार के रोष प्रकट करने के लिए किसान मजदूर किसान वर्ग ने इकट्ठा होकर ये प्रदर्शन किया, ताकि पिछले 20-25 दिनों से पेमेंट नहीं आ रही, इसके वजह से मजदूर बिल्कुल हाशिए पर आ चुके हैं। किसानों के पास ट्रैक्टर और साधन के लिए तेल नहीं है, व्यापारियों के पास बिल्कुल इनका तिजोरी खाली हो चुकी है। बिल्कुल पहले 70 सालों में हालात ऐसी हुए कि व्यापारी ने हाथ खड़े किए, तो आज इस देश की इतनी दयनीय हालात है। इस पर हमें रोष प्रकट करते हैं और सरकार को बड़े भारी हृदय से हम कोसते हैं और करते हैं शाम तक हमारी इन किसानों व्यापारियों के खाते में पैसे डालने का काम करें, ताकि हमारे किसानों के हालात और मजदूर के हालात सुधरें।